और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन होंगे इसी के जो आपके कॉन्सेप्ट में जो बताऊंगा आपको भी साथ साथ उसके आंसर देने हैं। तो आज हमारा जो है वो मेन है क्या है आपका, रेक्टेंगल की काउंटिंग है कि रेक्टेंगल कैसे काउंट किया जाए। ठीक है, कैसे रेक्टेंगल काउंट, जैसे मैंने स्क्वायर आपको बताया था वैसे ही रेक्टेंगल है। सिंपल से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कैसे इसमें आप बताओगे। जैसे प्लस साइन वाला मैंने आपको स्क्वायर बताया था, जैसे ये देखो। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ दे कि आयत कितना होगा, रेक्टेंगल कितना होगा, तो कैसे गिनोगे। सिंपल सा है वो, तो गिन ले जाओगे नंबरिंग करके कि इसकी नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद से क्या आपका एक बड़ा वाला 5, ये 6, ऊपर वाला ये आपका 5 तो हो गया 6, वैसे ये नीचे 7। ठीक है, ऐसे इधर 8, एक इधर वाला 9। तो गिन तो ले जाओगे क्योंकि ये फिगर छोटा है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपसे रेक्टेंगल पूछे ना गिनना है तो उसमें आपका स्क्वायर भी काउंट होता है। क्या काउंट होता है, स्क्वायर काउंट होता है। स्क्वायर और प्लस रेक्टेंगल दोनों काउंट होके हम बताते हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है ना, देखो ये स्क्वायर क्या होता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, मगर रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हमारा आयत हो सकता है, मगर इसका उल्टा नहीं होगा कि हम बोले आयत हमारा जो है वो आपका क्या हो जाए, वर्ग हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो जब भी हम आयत काउंट करते हैं, ठीक है, जब भी रेक्टेंगल हम काउंट करते हैं तो उसमें क्या कर लेते हैं, स्क्वायर भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मगर रेक्टेंगल हम बोले कि रेक्टेंगल जो होता है हमारा, जो आयत होता है वो वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। जैसे सिंपल सा है, ये देखो एक वर्ग है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका सभी साइड बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है, और ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक, और रेक्टेंगल क्या होता है आपका, दो अपोजिट साइड आपके बराबर होते हैं, ठीक, और ये 90 डिग्री पे होता है। तो इसके आप रेक्टेंगल होने का क्या है कि आपके दो अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो इसमें दो अपोजिट साइड तो बराबर ही है, साथ में ये भी है, इसमें चारों साइड बराबर हो जाते हैं, तो इसके प्रॉपर्टी को ये फॉलो तो करता है। इसीलिए जब भी हम रेक्टेंगल काउंट करते हैं तो हम वर्ग को भी, मतलब स्क्वायर को भी उसमें साथ काउंट कर लेते हैं। मगर जब हम स्क्वायर सिर्फ काउंट करते हैं ना, तो स्क्वायर काउंट करते हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों साइड इसके बराबर होने चाहिए। तो जब हम रेक्टेंगल को देखेंगे तो चारों साइड इसमें बराबर तो होता नहीं, अपोजिट के साइड जो होते हैं बराबर होते हैं, इसीलिए जब हम स्क्वायर गिनते हैं तो इसे इसमें नहीं गिनते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है। और जब रेक्टेंगल गिनते हैं तो उसमें स्क्वायर को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर भी हमारा एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, तभी आपका आंसर सही आएगा। इसीलिए जब इस छोटे से फिगर में, मैं रफ कर दे रहा हूं, एक छोटा सा जो फिगर है आपके पास ये वाला, जब इसमें हम स्क्वायर निकालते थे तो इसमें सिंपल सा है, एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला ले लेते थे 5। ठीक, तो इसमें स्क्वायर 5 आता था। मगर जब वही रेक्टेंगल की बात करें तो आपको स्क्वायर तो पूरा काउंट करना है, तो स्क्वायर कितने हमारे पास 5 है। उसके बाद रेक्टेंगल देख लो, रेक्टेंगल में एक ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, ठीक, और एक आपका ऐसे में बनेगा, एक आपका ऐसे में बनेगा, तो टोटल कितने बने, 2, 2, 4, 4 और बन गए, तो 5, 4 टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो फिगर छोटा था जहां काउंट कर लिए। मान लो फिगर कुछ बड़ा सा होता, मान लो ये है फिगर, मैंने ये फिगर बना दिया आपके सामने, ठीक, ऐसे, ठीक, इसमें आपको जो भी काउंट करना हो टाइप, जो इसमें जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था कि आपका रो और कॉलम जो है अलग अलग हो, ठीक, तब कैसा हम लगाते हैं, जब रो कॉलम सेम हो तब कौन सा लगाते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें मैं एक ही मेथड बताऊंगा आपका, उसमें चाहे रो इक्वल टू कॉलम हो या रो नॉट इक्वल टू कॉलम हो, ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। इसमें हर केस में चाहे आपका ग्रिड जो बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें चाहे रो जो है आपका, जैसे इसमें कितने हैं कॉलम 3 है, इसमें रो भी कितनी है 3, तो इसके लिए भी वही फॉलो करेगा, और जो रो नॉट इक्वल टू कॉलम होगा उसके लिए भी वही फॉलो करेगा। ठीक, तो पहले इसके लिए देख लेते हैं कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपने नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद रो की यहां नंबरिंग कर दिया, पूरा का पूरा रो ये
नंबरिंग कर दिए, यहाँ कॉलम की नंबरिंग कर दिए, अब सबको ऐड कर दो, जो भी नंबर लिखे हो सबको ऐड कर दो, 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा कितना 6, और यहाँ से भी कितना आएगा, जब सेम नंबरिंग है तो 6 यहाँ से भी आएगा, तो ये जो 6 आया है और जो 6 आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ से रेक्टेंगल जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा 36। अब इसमें स्क्वायर भी होगा, जैसे अभी मैंने आपको छोटा वाला एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये देखो इसमें मैंने लिया था, अब इसे भी कैसे मैं 9 लिया दूं, मैं सिंपल तरीके से गिना तो 9 आ रहा था रेक्टेंगल, अभी देखो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे भी 9 ही आएगा, नंबरिंग कर दिए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ 3, और 2 और 1 इधर प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 3 सा कितना होता है इक्वल टू लगा दो 9, तो 9 आ गया ना, वैसे भी मैं सिंपल मेथड से गिना था तभी भी 9 आया था, तो इसीलिए इसका जो मेथड है वो यही है कि जितने भी आप हैं नंबरिंग कर दो कॉलम की चाहे रो की और सबको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उतना तुम्हारे नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, ये आयत आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा नंबर ऑफ रेक्टेंगल जिसे बोलते हो ये आ जाएगा आपके सामने निकल के, इसमें क्या होगा स्क्वायर भी होगा और रेक्टेंगल भी होगा, तो इस फिगर में आप जानते हो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो निकाल लोगे, प्लस उसके जो पास एक्स्ट्रा बचता है वो आपका क्या होंगे ओरिजिनली जो होंगे वो आयत होंगे, ठीक, तो आयत जब भी हम गिनते हैं, रेक्टेंगल जब भी गिनते हैं उसमें स्क्वायर इंक्लूडेड होता है, मैंने बता दिया क्यों इंक्लूडेड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, जहां रो इक्वल टू नॉट कॉलम हो उसे कैसे करेंगे, उसे भी सेम मेथड से करेंगे, जैसे ठीक है यहां पे कितना है 1 2 आपका 3 कॉलम है और रो कितनी है 2 है, तो यहां रो नॉट इक्वल टू कॉलम है, ठीक है, क्योंकि रो आपका कितना है 2 और कॉलम कितना है 3, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, सेम फंडा है आपका, इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं जैसे उसके लिए अलग से मेथड था ना, रो और नॉट इक्वल टू अगर कॉलम हो तो उसमें स्क्वायर में मैंने आपको अलग मेथड बताया था, यहाँ कोई ऐसा अलग मेथड नहीं है, यहाँ आपको सिंपल सा वही काम करना है जो सबको जोड़ देना है, 3 2 5 1 6 यहाँ से आएगा और 2 1 3 यहाँ से आएगा, तो 3 यहाँ से आया 6 यहाँ से आया, तो 6 3 के कितना होता है भैया 18 होता है, तो बोल सकते हो कितने रेक्टेंगल इसमें बनेंगे, टोटल 18 रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ जिसका आंसर आप लोगों को भी कमेंट करना है, इसी मेथड पे होगा, उसके बाद से हम कुछ ट्रेंगल के फंडा देखेंगे कि ट्रेंगल को कैसे काउंट करते हैं। हाँ तो आपके सामने पहला फिगर है क्वेश्चन का, इसका आंसर बताओ, सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं है, सिंपल इसकी नंबरिंग कर लो और आंसर कमेंट कर दो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक डाल लो, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जल्दी बताओ। देखो अब इसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें, पहले क्या करना है कि आपके सामने ये दिख रहा है ऐसे, कितने हैं पार्ट 1 2 ये पार्ट हैं, तो इसमें मैंने बताया कि आपको नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4 कर दो, ठीक है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 4 3 7 8 1 9 10, मतलब 10 तो आपके यहां से आएंगे, ठीक है, सेम इस इधर भी कर दोगे तो 1 2 3 4, तो इस वाले में जो ऐसे आपका बन रहा है इसमें भी 4 पार्ट हैं, ठीक है, तो 10 इससे भी निकलेंगे क्योंकि जोड़ने पे ही हमें क्या बनता है आपका रेक्टेंगल बनता है। देखो जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लूं कैसे, कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में किया है इतने पार्ट में, तो अगर मैं गिनूं तो इससे 1 दूंगा, इससे 2, इससे 3, 3 तो हो गए हैं, उसके बाद से कंबाइन वाला गिनूंगा, 3 तो ये हो गए, उसके बाद से ये देखो 2 कंबाइन करके हो गए, चौथा ये हो गया, उसके बाद इसे गिन लूंगा तो 5वां हो जाएगा, ठीक है, और एक बड़ा वाला गिन लूंगा जो पूरा है 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल में, तो 6 हो जाएगा, तो 3 2 5 1 6 भी जोड़ने पे भी आएगा। इसका शॉर्टकट यही है कि जैसे हमने सिंपल किया तो ऐसे ऐसे गिनना पड़ा, और या तो सिर्फ जोड़ लो जितने भी नंबरिंग करो उसको जोड़ लो 3 2 5 और 1 6, तो इसमें 6 आएगा, उसी हिसाब से जैसे कि नंबरिंग कर दो 4 3 7 8 1 9 10 तो यहां से आएगा, और वैसे इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 2 1 2 3 4, तो यहां से भी कितना आएगा 10 आएगा, तो टोटल आया कितना आपके पास वो देख लेते हैं, तीनों जगह से आपके पास कितना आया 10 10 आया, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक, तो कितना हो गया भैया ये 30 हो गया, ठीक, मगर इसमें कुछ ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, देखो जैसे ये वाला आपका जो है 2 बार काउंट हुआ है, ये 2 बार काउंट हुआ क्योंकि ऐसे काउंट किए तब एक बार काउंट हुआ, ऐसे काउंट किए तब एक बार काउंट हुआ ये, ठीक, उसी तरह ये वाला जब ऐसे काउंट किए तब एक बार काउंट हुआ और एक बार ऐसे काउंट किए
आपका इसके साथ जब काउंट किए तो आपका दो बार काउंट हुआ, तो जब दो इसमें से काउंट हुआ है दो बार तो इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट कर दो, सेम लॉजिक लगाना है, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं है। क्या होगा आंसर भाई, कमेंट कर दो। देखो कुछ नहीं करना है आपको, नंबरिंग करना है, एक दो तीन, इसमें नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार। ये मत करना सर ये तो ग्रिड टाइप का बना है तो आप क्यों अलग अलग नंबरिंग कर रहे हैं सबको एक ही सा, ये ग्रिड नहीं है। देखो क्योंकि ऊपर वाले में कितना है, तीन ही जा रहा है, और नीचे वाले में चार जा रहा है, अलग अलग ये बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये जाके यहां से कंबाइंड हो गया है। ठीक है, ये जाके यहां से जब कंबाइंड होता है एक साथ, ऐसे ग्रिड फॉर्म होता है, इस टाइप से अगर ग्रिड फॉर्म होता तब हम कहते हैं ये ग्रिड बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है, मगर यहां मैट्रिक्स नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं क्या होगा, एक दो तीन, तीन दो पांच, एक छह, यहां से बनेगा आपका। ठीक है, छह यहां से मिलेगा, चार तीन सात आठ एक नौ दस, यहां से मिलेगा आपका दस। आपके रेक्टेंगल कहां से मिलेंगे, इस वाले से मिलेंगे, और यहां से कितना मिलेगा आपका, छह मिलेगा, तो दस प्लस छह ये होगा, और क्या मिलेगा भाई, और ये तो मिलेगा पूरा का पूरा, ये एक साथ में पूरा तो ये होगा बनेगा। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, तो प्लस एक और कर दो। ठीक, तो 10 सौ 16 प्लस 1 17, इसमें डबल काउंटिंग थी तो कोई बात ही नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन में, चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो आएगा वो इसी बेसिस पे या तो बहुत बड़ा दे देगा। देखो क्वेश्चन जो आता है ये तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, फंडा की कैसे गिनना, क्वेश्चन जो आएगा इसी के जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसी को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा। जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे ना उसमें दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको गिनना कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा तो आप उस कॉम्प्लेक्स फिगर को तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज में करके तब आप आसानी से गिन सकते हो। क्योंकि ऐसे पता चला इसी के ऊपर कुछ ट्रेंगल बना दिया, कुछ और बना दिया, तो आप क्या करोगे उसमें घबरा जाओगे कि ये कैसे हुआ। जब उसे आप तोड़ लोगे ना पार्ट वाइज, क्योंकि आपने पार्ट वाइज पढ़ रखा है कि पार्ट वाइज कैसे कैलकुलेट करें, तो आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज वही करना है आपको, नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार, तो चार तीन सात आठ एक नौ, यहां से मिल जाएगा दस, ये भी ग्रिड नहीं है अलग अलग है, एक दो तीन, तीन दो पांच, एक छह, यहां से मिल जाएगा आपको छह, और इस वाले से कितना मिलेगा, सेम नंबरिंग करोगे, तीन चार तीन सात आठ नौ दस, यहां से भी मिल जाएगा, तो टोटल कितना मिला भाई, दस प्लस छह प्लस दस, ठीक है 26 मिल चुका है अभी तक, मगर इसके साथ और भी कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा। देखो एक तो इन दोनों से मिलेगा जब कंबाइंड होंगे, ठीक, और एक कहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा जब नीचे वालों को मैं लूंगा एक बार वो, ठीक है, तो दो मिला और प्लस एक तो पूरा हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, एक जो आपका पूरा, ये जो रेक्टेंगल है आपका पूरा का पूरा, यहां से लेके और यहां तक ये पूरा, ठीक, तो ये भी हो जाएगा, तो एक और जोड़ लो इसमें साथ में, तो कितना हो गया 10 20 26 27 28 एक, टोटल कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या है, 29 है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, नंबरिंग कर लो, तो यहां से 10, यहां से 6, यहां से 10, ठीक है, तो आपको मिलेगा 20 26 हो गए, फिर इसको इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिला के एक बनेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को मिला के एक बनेगा पूरा, और इसको और इसको नीचे वाले को मिला के एक बनेगा, और एक आपका पूरा का पूरा बड़ा वाला बनेगा। ठीक, तो तीन बनेंगे और एक्स्ट्रा, तो उस तीनों को जोड़ दोगे तो 29 आपका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में। रेक्टेंगल में बहुत ज्यादा नहीं है आपका, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है आपके, जब भी गिनने में आ जाए तो वही फंडा अपनाओ, सबकी नंबरिंग कर दो, रो और कॉलम की सबको प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। अब आते हैं हम कुछ ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रेंगल आपको अगर दिया रहे तो कैसे हमें शुरू करना है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, मैं कॉन्सेप्ट के लिए लिया हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पहले से पता चल जाए कि कैसे इनका यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। जैसे अभी सिंगल आपके पास ये आपका आ जाए तो इसको तो बता दोगे कि इसमें कितने ट्रेंगल है, इसमें भी तो कोई वो नहीं यूज करना है ट्रिक, ये तो सिंपल दिख रहा है तो एक ट्रेंगल इसमें है। अभी उसी में
आपको एक लाइन खींच दी जाए 20 से और उसके बाद पूछे तो आपका कितना ट्रेंगल होगा, आसानी से बता दोगे क्योंकि वो काउंट कर सकते हो आसानी से। एक ये होगा, एक ये होगा, एक बड़ा वाला होगा, तो तीन इसमें बोल सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब अगर इसमें कह दिया जाए तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तीन। उसके बाद से एक इन दोनों के मेल से बनेगा, फिर इन दोनों के मेल से बनेगा, फिर इसका एक बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उससे काउंट करोगे, फिर आगे आओगे तो और भी मेहनत होने लगेगी क्योंकि उसमें डबल, फिर तीन वाले को लेकर, फिर चार वाले को लेकर, फिर यहां से एक, फिर यहां से। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा उतना ही हार्ड होता जाएगा आपको कैलकुलेट करना। तो उसके लिए एक मेथड है, आप सिंपल सा क्या करो, जितना भी जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फिगर दिखे, ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ फिगर दिखे जिस पे कि कोई बेस बन रहा हो और वहां से बेस से दो लाइनें कहीं जा रही हो, जैसे और जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हो, जैसे ये बेस मिला मुझे, एक अलग से बेस मिल गया ना, ये बेस मिला ये वाला, यहां से एक कोने से एक लाइन ये निकली है, यहां जा रही है, और एक कोने से ये लाइन निकल के इस वर्टेक्स पे जाके एक ही जगह मिल रही है। वैसे ही अगर एक और यहां पे मैं ड्रा कर दूं तो ये भी एक बेस अलग से मिलेगा, जहां से दोनों एंड से एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई, जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही। जब भी ऐसा केस आए तो आप क्या करो, उस पे आपको जितना बेस मिले उसकी नंबरिंग कर लो। ठीक है, तो सिर्फ नंबरिंग करना है। तो जैसे मैंने यहां पे किया 1 2 नंबरिंग कर लिया, और देखो दोनों पे ये बेस मुझे दो मिले हैं, एक बेस ये मिला, एक बेस ये मिला, और दोनों के एंड से ये लाइन गई यहां वर्टेक्स पे मिल गई, यहां से ये लाइन गई वर्टेक्स पे मिल गई। इस वाले बेस की बात करें तो यहां से एक लाइन गई इस वर्टेक्स पे मिली है, और इस वाली लाइन गई है इस वर्टेक्स पे मिल गई, मतलब जाके एक ही पॉइंट पे कहीं वर्टेक्स पे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, उस बेस को जो लाइन आके कट कर रही है उस बेस को नंबरिंग कर देंगे, जैसे यहाँ 1 और यहाँ 2 कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसमें 3 ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, वैसे आगे इसमें देख लें तो कितने बेस मिले, 1 2 और 3 मिले हैं। तो तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 1 6, तो यहां से कितना मिलेगा आपको, 6, मतलब आपको मिलेगा पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो इसमें 6 होंगे, और इसमें कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, नंबरिंग कर दो, सबको ऐड कर दो, 4 3 7 8 1 9 1 10, तो यहां से हमें कितना ट्रायंगल मिल जाएंगे, 10 ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है, आपको जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें कैसे आप बता सकते हो कितने ट्रायंगल होंगे। अब इसी में कॉम्प्लेक्स करेगा, देखना आगे का फिगर में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे अलग से एक बेस बना देगा, यहाँ पे बेस अलग से बना देगा। तो जितना बेस बनता जाएगा और जितने उस पर अलग अलग बेस आएंगे उस पर नंबरिंग करके काउंट करना है। आगे देखते हैं कैसे करना है उसको। चलो चलो देखते हैं ये वाला फिगर। ठीक है, इस फिगर में देखो, पहला फिगर है, सिंपल सा है। इसमें आपको कि जब भी आपसे ट्रायंगल दिया हो और पूछे कि आप इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे, सिंपल सा है। इसमें क्या किया, एक बेस ये था, अभी तक आपसे वर्टिकल लाइन आके यहां पे काट रही थी, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ठीक है, ट्रायंगल को कट कर रही है, तो इसको दो पार्ट में कट कर रही है, तो इसे मैं बोलना इसे भी एक कर दें, इसे दो कर दें, तो 1 2 एक बड़ा ले लेना 3, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका यहां से इस वाले बेस से कोई ऐसी लाइन जो जा रही है वो यहां से और यहां तक, ठीक है, इनको काउंट करके 3 ना बोलना, क्योंकि यहां से जो जा रही है, जैसे ये वर्टेक्स है आपका, यहां हम कर दिए तो इस पे एक बनेगा ट्रेंगल, कौन सा, ये वाला। ठीक, और इस वाले दूसरे नंबर वाले पे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये फुल वाला बनेगा। ठीक है, इसमें ये कहीं ट्रेंगल नहीं बन रहा है, एक ट्रेपिजियम बन रहा है, ये ट्रेंगल नहीं बन रहा है। तो 2 और 1 3 करके इसे भी काउंट मत करना, इसमें जितनी नंबरिंग होगी उतने ही ट्रेंगल बनेंगे। 1 और 2 है नंबरिंग, तो ट्रेंगल कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, ना कि 3 होंगे जैसे इसमें है। अब इसमें क्या, दोनों यूज कर लिया गया है आपका, आप वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहां नंबरिंग कर दो, 1 2 मैंने जैसे बताया था, क्योंकि बेस पे एक कट आया है, तो कट आया है तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इसकी नंबरिंग कर दो। अब इस बेस पे भी आपको कट मिल रहा है तो इसकी भी नंबरिंग कर दो, 1 2, तो इस बेस से कितने ट्रायंगल बनेंगे आपको, 3 बनेंगे, क्योंकि ये वाला अगर बेस में ऊपर वाला उठा लूं तो मेरे पास सिर्फ सिंपल सा यही बचेगा। ठीक, तो मैंने इसमें बताया था कि जब भी ऐसा फिगर आए तो इसकी नंबरिंग कर लो, तो यहां से हमें 3 ट्रायंगल प्राप्त होगा, 1 2 और 3 बड़ा वाला। तो इस बेस से मुझे 3 आया, इस बेस से कितना आएगा, इससे भी हमें जो 3 ही आएगा। ठीक है, 2 1 3,
ठीक, दो तो आपका एक ये पूरा बनेगा, एक ये बनेगा, एक पूरा बड़ा वाला बनेगा, तो इस बेस से भी तीन आएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा इसमें ट्रेंगल टोटल कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं उसी में, और कुछ कारीगरी हो गया, उसमें क्या हुआ, जैसे अभी एक आया था, एक सिंगल वर्टिकल लाइन आई थी, अब दो वर्टिकल लाइन आ गया, और बेस आपका अभी भी दो ही है, ठीक है, दो से बड़ा नहीं है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इसको जितने बेस मिल रहे हैं उस पर नंबरिंग कर दो। पहला बेस ये पूरा मिला, इस पे कट कितनी है, तीन बार कट है, तीन बार नंबरिंग कर दिए, एक दो तीन, इस पे भी कर दिए, एक दो तीन, इस बेस से कितने ट्रेंगल मिलेंगे, जोड़ लोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला ऊपर वाला फिगर ऐसे बनेगा, ये वाला मैंने जो पहले डिस्कस कर लिया कि जब भी ऐसा फिगर बने नंबरिंग कर दो, तीन दो पांच एक छह, यहां से मिल गया और छह आपका यहां से मिल गया, तो टोटल ट्रेंगल कितने होंगे, दोनों को जोड़ दोगे तो 12 मिल गए, ठीक। आगे भी इसी तरह करना है आपको, एक दो तीन चार, तो चार इस बेस पे मिला तो चार इस पे भी मिलेगा, क्योंकि ये भी यहां से शुरू हुआ और यहां तक एंड हुआ है, ठीक है, और सेम कट यहां पे भी उतने ही कट है, तो चार तीन सात आठ एक नौ एक दस, तो दस इस बेस पे मिल रहा है तो दस इस बेस पे भी मिलेगा, तो जितने बेस होंगे जो यहां से एंड होके यहां पे जाएंगे, यहां से एंड होके यहां जाएंगे, जितने बेस होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। जैसे यहां पे 10 है, एक बेस से 10 मिल रहा है, एक बेस से 10 मिल रहा है, और आपके कितने बेस है, मैंने एक दो बेस था क्वेश्चन में, ठीक है, दो बेस था तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 आ जाएगा हमारा आंसर। अगर एक बेस और एक्स्ट्रा बढ़ जाता तो मैं क्या करता, 10 गुणे 3 कर देता तो 30 हो जाता इसका आंसर, ठीक। तो ऐसे आपको क्वेश्चन धीरे धीरे टफ बनते जाएंगे, डिफिकल्ट बनते जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका जो है फिगर 1 है, ठीक है, और ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है, दोनों का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहले वाले को मैंने बता दिया कैसे आपको काउंट करना है, बेस भी है आपका और वर्टिकल लाइन भी कट कर रही है बेस को, तो उसको क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है सबको, हर एक बेस का, देखो क्योंकि सभी जो आपके बेस हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक गए, कहीं बीच में समाप्त नहीं हुए, तो आप सिंगल एक बेस को उठा लो, इसकी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन, तो तीन दो पांच, एक छह हो गया, मतलब इस वाले नीचे वाले से छह आया, ठीक, तो ऊपर भी कर लो, एक दो तीन, इससे भी छह आया, इस वाले से भी, तो एक दो तीन करोगे तो तीन दो पांच छह आएगा, तो सबको जोड़ दोगे तो छह छह बारह छह त्रिके 18, तो पहले फिगर से आंसर कितना आ जाएगा, पहले फिगर से आंसर जो आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल कर सकते थे कि तीन दो पांच छह, एक बेस से छह आ रहा है और तीन बेस है, टोटल कितने बेस है, तीन बेस है, तो छह आपके कितना होगा, छह त्रिके 18 हो जाएगा, तो ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी पे है 18, तो पहले फिगर का आंसर हो गया। दूसरे फिगर का देखें तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार, इस वाले बेस पे कितने मिला, चार तीन सात आठ एक नौ, चार तीन सात आठ एक नौ एक दस, टोटल मिल रहा है 10 इस वाले बेस पे, कितने बेस हैं आपके देख लो, एक बेस ये हो जाएगा, दो तीन चार, टोटल चार बेस है, ठीक है, इसको लेके कितने हैं, पांच है, ठीक, तो 10 हर एक बेस पे मिल रहा है, तो पांच टोटल बेस हैं, तो कितने हो जाएंगे, 50 तो हो जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, 10 इसमें मिला, 10 इसमें, 20, 10 30, 10 40, 10 50, तो टोटल कितना आएगा, 50 आएगा, तो फिगर जो इसका होगा, इस वाले का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 50 इसमें ट्रेंगल होंगे, कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसमें भी सही होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाँ इस ट्रेंगल में आपको आंसर बताना है, इसमें देखो मैंने बताया ना, कहीं बेस आपका जाके कहीं कट हो जाएगा, ठीक, कहीं एक ही पे हो जाएगा, कहीं दो पे हो जाएगा, उसी तरह से आपको धीरे धीरे ये फिगर आपको मिलता रहेगा कि कैसे आपको काउंट करना है। तो आप अब क्या करोगे, आप पहले ये था कि सिंगल एक बेस पे निकाल लेते थे, उसे मल्टीप्लाई कर लेते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता था, अब यहां आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस जो है कितने तक गया है, ठीक, लास्ट तक गया कि नहीं, उसमें भी नंबरिंग कर लो, एक दो तीन चार पांच इसमें होंगे, इसकी नंबरिंग कर लो, एक दो तीन चार, इस वाले पे एक दो और इस पे एक, तो यहां से हमें ट्रेंगल कितना मिलेगा, एक ट्रेंगल, और इस वाले बेस से कितना मिलेगा, दो और एक तीन ट्रेंगल मिलेंगे, ठीक है, इस वाले से चार तीन सात आठ एक नौ एक दस, मतलब इस वाले बेस से हमें 10 ट्रेंगल मिलेगा, ठीक, इस वाले से 10 पांच 15, क्योंकि चार तीन सात आठ एक नौ एक दस और पांच 15, नीचे वाले बेस से मुझे कितना ट्रेंगल मिलेगा, 15 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 15 10 और तीन एक चार, तो पांच चार नौ एक एक दो, तो टोटल 29 ट्रेंगल हमें
इस पूरे जो आपका फिगर दिया है इसमें 29 ट्रायंगल होगा। अगर वैसे आपको गिनना हो, अगर कोई ट्रिक ना आती हो तब तो आप गिन ही नहीं पाओगे। 29 ट्रायंगल गिनने में आपका पूरा समय चला जाएगा और क्वेश्चन क्या करोगे, या तो गलत मारोगे या तो छोड़ दोगे। ठीक, तो ऐसे जब क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कम से कम ये तो रहे, अगर आप पता है ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसके आने क्या है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मगर ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि बोलो ये आ जाए। ठीक है, ठीक, कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये क्या होगा, इसमें कितने ट्रायंगल होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसी में आपको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बता फिगर दे दे, तो इसका आंसर क्या होगा, 29 हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले बेस से आपको 15 मिलेगा, उसके ऊपर 4 आपका है तो 10 मिलेगा, इससे 3 मिलेगा और इससे 1 मिलेगा। ठीक, तो सबको जोड़ दोगे तो कितने मिल जाएगा, 29 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लो। अभी तक जो आपका क्या बेस जाके कहीं रुक जाता था, अब आपका ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है जो बेस को कट कर रही है वो आपका कम होते जा रही है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, तो उसमें भी सिंपल सा है, आपको जितने दिखे हैं, जितनी बार कट दिखे बेस पे उतना नंबरिंग कर लो। जैसे इस बेस पे मुझे कितने कट दिख रहे हैं भाई, मुझे पहला कट ये दिख रहा है, दूसरा कट ये दिख रहा है, तो 1-2 नंबरिंग कर दिए इस पे। ऊपर वाले बेस पे 3 कट दिख रहे हैं तो मैंने 3 नंबरिंग कर दी, 1-2-3। इससे ऊपर वाले में 1-2-3-4 दिख रहा था तो 4 से नंबरिंग कर दी, इससे ऊपर वाले में 1-2-3-4 और 5 5 तक नंबरिंग कर दी। अब सबको जोड़ के अब दिखा दो कि किस पे कितने ट्रिंगल आएंगे, इस वाले पे कितने आएंगे ट्रिंगल, जोड़ लो 5 + 4 9 9 3 12 13 14 1 15, तो इस ऊपर सबसे ऊपर वाले बेस पे 15 ट्रिंगल बनेंगे। ठीक, उसके जस्ट नीचे वाले बेस से 4 3 7 8 1 9 1 10, इस वाले बेस से कितने बनेंगे, 10 ट्रिंगल बनेंगे। सिंपल सा है, वैसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर ये नंबरिंग कर लोगे तो आसान हो जाएगा आपका। 3 2 5 और 1 6, यहां से कितने बनेंगे, 6 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक, और यहां से कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे। तो बस जोड़ लो कितना आया, 15 + 10 और 6 3 9। ठीक, तो आपसे क्योंकि 6 यहां पे और 3 यहां पे तो 9 हो गया, तो 9 5 14 1 1 2 1 3, तो टोटल कितने मिलेंगे यहां से, हमें 34 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे। इस फिगर से हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल ही काउंट करना था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। ठीक है, तो कितने होंगे, 34 होंगे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। तो जिसका भी आंसर ए आया हो सही हो। चलो साथ साथ आप लोग भी लगाते जाना कि कैसे आपका मेथड है, कैसे आप काउंट कर रहे हो, कैसे मैं बता रहा हूं, उस हिसाब से आप लोग देख लेना, क्योंकि इससे जो है टाइम आपका कम मिलेगा। अगर आप नंबरिंग करके चाहे इसकी अल्फाबेट से सभी को एक एक कट को अल्फाबेट्स नंबर दे देते हो, उसके बाद से ट्रायंगल गिनते हो, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपका वही तो बात हुआ कि आप हर एक अल्फाबेट से हैं, जैसे ए यहाँ दे दिए, यहाँ बी दे दिए, जितने कट हैं यहाँ सी इसको डी यहाँ ई और एफ और सबको गिनने लगे एक एक करके ट्रायंगल बना के, तो वो टाइम ले जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देख लो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी में जब आपका ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि एक तो यहां से चला गया आपका कट करने और 3 इधर से आ रहे हैं बेस पे, इस बेस पे 1 कट है और इस बेस पे 3 कट है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, मिल जाएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ये आसान नहीं है, देखने में फिगर लिख रहा है कि आसान है, मगर जब काउंट करोगे तो घूम जाओगे इसमें। ठीक है, तो इस टाइप को भी याद रखना कि इसमें ट्रायंगल में एक टाइप इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, इसको कैसे करना है। चलो मैं बताता हूं इसे कैसे करना है आपको, सिंपल सा है, कोई बेस उठा लो, क्योंकि अगर मैं ये बेस उठाता हूं, इस वाले बेस पे बात करें, ये जो है आपका है, ये वाले इस बेस पे मैं बात करूं, ठीक है, इस वाले बेस पे, तो इस पे देख लेते हैं कि कितने ट्रायंगल आपके बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस पे कितने कट है, एक ही तो यहां से आया है, तो इसकी नंबरिंग कर दो 1 और 2, तो इस बेस पे तो 3 बनेगा। ठीक है, इस बेस पे 3 बनेगा। उसी तरह एक ऐसे ये भी बेस तो हो गया, इसके लिए आपका अगर ट्रायंगल ऐसे है, मैं अभी ये वाला नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें सिर्फ यहां से ये ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो एक तो इस पे बेस पे बनेगा, तो यहां पे नंबरिंग कर दिए 1 2, तो यहां से 3 हो गया। फिर देखो ये भी तो एक जाके बेस की ही तरह इस पे काम करेगा, जब एक मैं यहां से ले लू ऐसे, तो इस पे भी तो ये बेस पे कट कर रहा है, देखो ये लाइन जाके इस पे कट कर रही है यहां पे, तो यहां भी इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 और 2। ठीक, तो वैसे भी इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 2, यहां पे 2 बेस मिल रहा है हमें, ऐसे ही 1 2 यहां पे भी एक मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है। तो अभी हम देखें तो हमें कितने ट्रायंगल मिल गए,
देखो ट्रेंगल कितने मिल गए हैं कि आपका एक दो तीन इस पे मिलेगा, तीन इस पे मिलेगा, तीन इस पे मिलेगा, तीन इस पे मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए, तीन तीन छह तीन नौ तीन चौके 12, मतलब 12 ट्रेंगल हमारे इस बेस, ऐसे जो बेस आ रहे हैं उस पे मिल गए हैं, तो 12 ट्रेंगल इस पे मिल गए। उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से हमें क्या काउंट करना है, उसके बाद से हमें इस वाले बेस पे काउंट करना है जो हमारा ये वाला बेस है। अब मैं कुछ कलर और ले रहा हूं ताकि आपको दिखे दूसरा कलर, ठीक है। अब इस वाले बेस पे आपको कि इस वाले बेस पे जो ये वाला बेस है, ठीक है, ये जो बेस है इस वाले बेस पे अब देखते हैं कितने मिलेंगे। तो इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और इसकी कर दो एक, तो इस पे 4 मिलेंगे पूरा, 4 3 7 8 1 9 10, तो यहां से तुम्हें 10 मिलेंगे। उसी हिसाब से ये भी एक बेस बनेगा इसके लिए, इस ट्रेंगल के लिए, तो इस पे भी कर दो 1 2 3 और 4, तो यहां से भी कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो अगर हम टोटल आपका देख लें कि कितना होगा यहां पे, काउंट कर लें, तो चलो काउंट कर लेते हैं, जो नीले से लिखा हुआ है और जो आपके काले से लिखा हुआ है, काले से कितना आया था टोटल आपका, आया था 12 आया था, ठीक है, ये 12 आया था, और इससे कितना आया, 4 3 7 8 1 9 10 और 10, टोटल 20 यहां से आया, तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3 32 हो गया। तो अब कहोगे सर 32 होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी में है भी, मगर नहीं, ऐसा नहीं है 32 होगा, क्योंकि यहां देखो जिस आपके जिस भी उसमें दो दो नंबरिंग है, जिस भी पार्ट में दो दो नंबरिंग है, जैसे इस वाले पार्ट में दो नंबरिंग है, 1 और 4, 1 भी है और 4 भी है, यहां पे 2 और 4 है, यहां पे 3 और 2 है, 1 और 3 है, जिस भी पार्ट में दो बार नंबर आ गया है, इसका मतलब वो ट्रेंगल क्या हुआ है, दो बार काउंट हो गया है, वो पार्ट का ट्रेंगल दो बार काउंट हो गया। तो कितने पार्ट में ऐसा हुआ है कि दो बार नंबरिंग लिखी गई है, देखो इस वाले भी पार्ट में लिखी गई, इस वाले में भी, क्योंकि एक काले से है एक नीले से है, एक काले से नीले से है, तो जिस जिस पार्ट में दो बार नंबरिंग हुई है उस पार्ट को ले लो। तो किसमें हुआ, इसमें भी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टों में दो दो बार नंबरिंग हुई है, तो हम क्या करेंगे, 32 में से, क्योंकि वो 8 दो बार काउंट हुए हैं, उसको घटा देंगे, 32 में से 8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अलग है, जो प्रीवियस किए वो अलग टाइप का है, अभी जो किए हो ये अलग टाइप का है, इसे भी अलग टाइप दे दो, ये दूसरे टाइप का है, ठीक है। इसमें आसान सा है क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, वो सिमेट्रिक नहीं था जो पीछे वाला था, ये सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि इसमें कितने बेस, 1 2 3 बेस इस वाले पे कट कर रहे हैं, मगर इस वाले पे सिर्फ सिंगल यहां पे जाके एक कट कर रहा है, ठीक है। मगर यहां जब देखोगे तो यहां से दो निकले हैं, दो आपके वर्टिकल लाइन निकले हैं जो आपके इस बेस पे कट कर रहे हैं, वैसे ही यहां से भी आपके दो निकल रहे हैं इस पे कट कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पे जो आपका अलग केस हो जाएगा, यहां पे आपको काउंट करने के लिए ट्रेंगल मैं बता रहा हूं कैसे काउंट करना, देखो सिंपल सा है कि एक तो वो मेथड है ही है कि आप अलग अलग बेस ले लो, जैसे यहां पे इस बेस को लिए तो यहां नंबरिंग कर दिए 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 3 2 5 1 6 इस पे आएगा, फिर सेम चीज इस पे करोगे 1 2 3, ठीक है, तो 3 2 5 1 6 इस पे, फिर 6 इस पे, सबको काउंट करोगे साथ ही साथ, फिर जब इस बेस से लोगे तभी भी सेम नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये सब करने से जब भी आपको ऐसा सिमेट्रिक फिगर मिले तो आपको बचना है कि वो भी टाइम टेकिंग ले जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी देखो कि यहां पे भी कट उतना ही है 1 2 3 और इस बेस पे भी कट उतना ही है 1 2 3 का, तो क्या करो, जितना कट है उसी का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे यहां कितने कट है 1 2 3, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है आपका, क्योंकि यहां से भी दो आए हैं आपके कट किए हैं इस पे, और यहां से भी दो लाइनें जाके इस बेस पे कट किए हैं, ठीक। तो ये सिमेट्रिक फिगर, जब भी आपके पास ऐसा आए केस तो याद रखो जितने भी कट हो, जैसे पहला कट ये हुआ, दूसरा कट और ये तीसरा कट, तीन कट हैं आपके पास, तो तीन का क्या कर दो,
आप क्यूब कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो 27 होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगर इसी में इस फिगर को मैं बड़ा कर दूं, देखो अब इसी में एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपसे कि ये देखो, ठीक है। अब इसी में जैसे इसमें 1, 2, 3 मैंने यहां पे डाल दिया और 3 यहां पे, इस बेस पे भी मैंने ऐसे ही 3 यहां पे भी रख दिया, तो सिमेट्रिक फिगर हुआ ये। क्यों? क्योंकि देखो 3 लाइनें यहां से भी निकली, इस पे वो की हैं, और 3 लाइनें यहां इस वर्टेक्स से निकल के इस बेस पे भी कट की हैं। तो 1, 2, 3, 4 कट हुए हैं टोटल, और इस बेस पे भी देख लो 1, 2, 3, 4 कट हुए हैं। तो जब भी आपसे ऐसा केस मिल जाए सिमेट्रिक वाला, तो कुछ ना करो, जितना हाईएस्ट वाला जो होगा नंबरिंग कट करने का, जैसे कितना कट है, 4 कट है, तो 4 का क्यूब कर दो। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 64। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले कि आपको सिमेट्रिक कट मिले कि यहां से इस बेस पे भी उतने ही कट है जितने यहां से इस बेस पे कट है, तब आप क्या करो कि जितना कट हो उसका क्यूब कर दो। तो इसका क्यूब क्या होगा? 64। उसी हिसाब से जो आपसे ये क्वेश्चन दिया था, इसका क्या होगा क्यूब? 3 कट हैं तो 27। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आपका टाइप है, मैं जितना बता रहा हूं कोई ना कोई क्वेश्चन का टाइप है। बाकी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन सेशन में कराऊंगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सब का मिक्स करके। ये आपको टाइप है कि अगर इस टाइप का कुछ भी फिगर दिखे तो एटलीस्ट आप क्या करो, उसे काउंट कर लो जल्दी से। कैसे काउंट कर सकते हैं? इस टाइप के फिगर में आप 2 मेथड से काउंट कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा कि आपको कैसे काउंट करना है। एक तो आप वैसे करोगे, अभी तो ये सिंपल फिगर है, तो आप कर लोगे कि हाँ यहां नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, उसके बाद से इसमें जो बन रहे हो आगे का, जैसे 9 के बाद आपका क्या बनेगा, एक यहां से बनेगा 10, एक 11, एक 12 और एक पूरा वाला ट्रायंगल 13। तो इसमें 13 होगा, जैसे एक तो पूरा ये बनेगा आपका, ठीक है, और एक आपका ये बनेगा, ठीक, ऐसे ही एक आपका ये बनेगा। तो 9 के बाद 10, 11, 12 और एक पूरा बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल 13। ठीक है, तो टोटल इसमें 13 ट्रायंगल बनेंगे। तो अभी तो ये छोटा फिगर था, आपने काउंट कर लिया, और बड़ा होता तो कैसे काउंट करते? तो उसके लिए मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं कि उस फंडे का यूज कर लेना, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे। सिमेट्रिक आपका इधर भी जैसे बना है, जैसे यहां पे 1, 2, 3 हो रहा है ना, उसी तरह हर बेस पे उतना ही होगा। यहां पे इस बेस पे 1, 2, 3, इस बेस पे भी देख लो 1, 2, 3। जब भी ऐसे सिमेट्रिक बने, ऐसी फिगर आए सिमेट्रिक वाला कि इधर भी 3 बन रहा है, इधर भी 3 बन रहा है, इधर भी आपके 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो क्या होगा, हर एक बेस पे 3-3 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो 1 ट्रायंगल 2 और 3, इस बार ये वाला बेस कंसीडर करोगे तो 1, 2, 3, ये वाला करोगे तो 1, 2, 3। हर बेस पे जब 3-3 आपका बने, तो कुछ ना करना भाई, एक काम करना कि सिंपल सा आप इसकी नंबरिंग कर लेना ऐसे कि 3 बन रहा है ना, तो 1, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे लिख लेना। उसके बाद से इसका क्या करना, ऐसे ही से लिख लेना सिंपल सा 1। उसके बाद इनको इसको प्लस करके यहां लिखना, तो 2 और 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 और 3 प्लस करोगे तो क्या करोगे यहां पे 6। ठीक है, उसके बाद से सबको ऐड कर देना, तो 6, 3, 9, 1, 10 टोटल आ जाएगा 10। उसके बाद एक स्टेप और करना है, नीचे से क्या करना कि एक छोड़ना, ठीक है, एक छोड़ देना, इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना है और इसे उठा लेना, फिर इसे छोड़ देना है, फिर अगर आगे कोई बनता तो उसे उठा लेना है। तो अभी हमें किसे उठाना है, इस वाले को उठाना है, तो इसको उठा के इस पे ऐड कर देना है, तो 10 और 3, 13। ठीक है, अगर यही आपके पास 4 होता, 4 वाला केस होता, तब क्या करते, तो भी वही काम करते, सिंपल सा है आपका 1, 2, 3 और 4, कुछ नहीं करना है, यहां 1 इसे ऐसे ऐड कर दो, यहां 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3, 3 यहां 6 और 6, 4, 10, सबको ऐड कर दो, 6, 3, 9, 1, 10, 10, 10, 20 होगा। मैंने क्या बताया कि नीचे वाला छोड़ देना है, इसे छोड़ दिए, इसे उठा लिए ऐड करने के लिए, फिर छोड़ दो और इसे उठा लो ऐड करने के लिए, तो आपका 6, 1, 7,
सात और ऐड कर देना है तो 27 आ जाएगा इसमें। 20 में सात और ऐड कर दोगे, 6 और 1 7, तो 27 हो जाएगा। अगर आपके पास चार मिलते हैं, जैसे यहाँ पे तीन मिले, अगर एक और बढ़ जाता है चार, तो वैसे ही आपकी ये काउंटिंग भी बढ़ जाएगी। और देखते हैं और क्या इसका तरीका हो सकता है। एक तरीका ये है इसमें कि आप ये तरीका देख लेना और लिख लेना। अगला तरीका ये है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे या तो याद कर लो, n इंटू, ठीक है, 2n+1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 8, ठीक है, कुछ भी हो इस पे आप रख दो, और जो आपका इंटीजर, आपका फ्रैक्शन, आपका मेन वैल्यू आए, अगर जो फ्रैक्शन पॉइंट में वैल्यू आ रहे उसे छोड़ दो, ठीक है, जो आपका मेन वैल्यू आ रहा है उसे कंसीडर करना है। जैसे मैं लिखूं यहां पर कितने हमें मिले थे, 1 2 3 मिले थे, तीन कट थे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, ये n जो होगा वही होगा जो यहां पे जितने मिलेंगे आपको बेस पे, कितना मिला, 1 1 2 और ये 3 मिले, तो हर बेस पे 3 3 का कट है ना, तो n इक्वल टू 3 जो जितना कट होगा, तो n इक्वल टू 3 के लिए हम अगर सॉल्व करें इसे, तो n को 3 रखोगे, ठीक है, और 2n+1 तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 1 7 हो जाएगा यहां पे, और ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये 8 होगा, तो 21 21 और 5 तो क्या होगा, 5 एकम 5 5 2 10, 105 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, ठीक है, 105 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा ये 10 में से 8 जाएगा 2, 8 3 के 24, तो यहां पे एक बचेगा, उसके बाद से पॉइंट में आने लगेगा, ठीक है, समथिंग, क्योंकि 13.1, तो 13.1 में हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे 13, ठीक, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये सभी पे काम करेगा। आपको क्या करना है, जब भी 0.5 से कम वैल्यू हो तो आपको क्या लेना है, उसका मेन वैल्यू लेना है 13, तो यहां पे 13 होगा, अगर उससे ज्यादा होता है तो वो आपको कंसीडर करना है इस फॉर्मूले पे, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखना, n 2n+1 n+2/8, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आपको जब भी ऐसा फिगर आएगा, इस टाइप के सिमेट्रिक फिगर आएगा, तो आपका आसानी से हो जाएगा। बाकी एक मेथड और मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, जितना भी हो उसको लिख लो, 1 2 3, उसके बाद पहले वाला वैसे सेम रहेगा, इसका इसका प्लस कर लेना, 1 2 1 3 और 3 3 6, उसके बाद से जोड़ लेना, नीचे वाला छोड़ के एक को इसको जोड़ना है, फिर इसे छोड़ देना, तो आपका भी सेम आ जाएगा आंसर, ठीक, 13। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, देख लो अब इसमें क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया उसी का ये अलग टाइप का आ गया, इसमें बढ़ गया है बेस में, तो बढ़ गया है तो क्या करेंगे आंसर में, देखो कितने हो गए कट, 1 2 3 4 इधर में मिल रहा है, 1 2 3 4 इधर भी मिल रहा है, 4 इधर भी मिल रहा है, सिमेट्रिक फिगर है, तो 4 पे हो गया, तो या तो n इक्वल टू 4 रख के फॉर्मूला लगा लो, या मैंने आपको जो एक और बताया था उस पे रख लो, क्या बताया था, एक नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, और इसको एक ऐसे उतार लो, 1+2 ऐड कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 3+3 ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा, 6, और 6+4 ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, तो ये 20 आएगा, उसके बाद नीचे वाला छोड़ देना है, आपको ऊपर वाला उठा लेना है फिर से प्लस करने के लिए, फिर एक छोड़ देना है, फिर इसे उठा लेना है प्लस करने के लिए, तो कितना, 6 1 और 7, तो 20 में 2 सर्किल किए उसे जोड़ना है, तो 6+1 7, तो इसे जोड़ दो, तो 27 आ जाएगा इसका आंसर, तो 27 कौन सा, ऑप्शन ए। और दूसरा आपसे मैंने बताया था, n इक्वल टू 2n+1 n+2/8, इसमें रख के भी निकाल सकते हो, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4, 2n+1 की वैल्यू क्या होगी, 4 2 आपका कितना है, 4 है ना n की वैल्यू, 4 2 8 1 9 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 4 2 6 होगा, ठीक, उसके बाद से यहाँ पर 8 होगा, यहाँ से कट कर दोगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 9 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27, देखो यहां से भी 27 आ गया और यहां से भी 27 आ गया, तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ लिए, ये तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं, बाकी अभी और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं जो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा।
आपका जो प्रीवियस सेशन था उसका जो आपका जैकपॉट का आंसर होगा, काफी बच्चे 49 दे रहे थे, कोई 45 दे रहा था, कोई 40 दे रहा था, कोई 35 दे रहा था, तो मैं बता दे रहा हूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या, मैंने बोला भी था कि आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि इसमें कुछ आपका छूट जाएगा, ठीक है। और जैसे क्योंकि इसका ऑप्शन क्या होता है, हमेशा आसपास दिया रहता है, तो 45 49 किसी का यही आंसर आ रहा था, एक बच्चे का सही आंसर आया था। मैं बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, आपको सिंपल सा इसका जो ग्रिड है आपका वो क्या है, 1 2 3 4 इधर है और 1 2 3 4 यहां, वर्ग आपसे पूछा था टोटल, तो इस वाले में कितना होता भाई, पूरा का पूरा इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 4 13 14 प्लस 16 कितना होता है, 30 होता है, तो 30 तो ये हो जाएंगे 4x4 के ग्रिड में, मैट्रिक्स जो है 4x4 की उसमें 30 स्क्वायर मिलेंगे आपको। बाकी क्या होगा, बाकी के लिए आपके पास देखो ये दिया हुआ है, ये पूरा ये एक मैट्रिक्स ये दी हुई है आपके पास, इसमें कितने प्लस साइन वाले में कितने बनते हैं, मैंने बताया था आपको ऐसे जब प्लस साइन बने तो 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके 5 इसके 5 इसके तो कितने हो गए, 15 ये हो गए, तो 15 और जोड़ लो तो 5 ये हो गया, 3 1 4 45 तो यही आ गया, तो यहीं पे कुछ बच्चों का आ गया, तो आंसर बोल दिए सर यही होगा, नहीं और भी आया, और क्या आया देखो, ये छोड़ दिए तुम लोग, ये जो है पूरा का पूरा छोड़ दिए, ये मैं कलर कर दे रहा हूं पूरा, एक ये स्क्वायर आपका बनेगा, एक पूरा ये स्क्वायर आपका बनेगा, ये छोड़े हो जो तुम लोग, एक आपका ये बनेगा ऐसे ही, तो देखो 2 तो ये हो गया, और एक कहां बनेगा आपका, एक यहां बनेगा, ये वाला पूरा पार्ट जो छोड़े हो, बाकी सबको काउंट कर लिए, जिसका 45 आ रहा था और जिसका 49 आ रहा था उसने ये काउंट किया, ठीक है, तो 45 के बाद 46 47 48 और 49, तो 4 और जोड़ दिया गया, तो 45 4 49 हो गया। अब भैया इसके बाद भी कुछ है जो तुम लोगों ने, जो 49 वालों ने मिस किया, 45 वालों ने ये 4 मिस किया और 49 वालों ने क्या मिस किया वो मैं बता दे रहा हूं। देखो ये जो मेरी कलम जैसे जा रही वो देख लो, ये स्क्वायर पूरा, ठीक है, ये स्क्वायर इसके हेल्प से मिल रहा है भाई, इसके हेल्प से मिल रहा है, ये देखो ये काउंट कहीं नहीं हुआ क्योंकि इसके 2 यूज हो रहे हैं, जो विंग है 2 यूज इसके हो रहे हैं, 2 साइड प्लस यहां से एक गया, एक यहां, तो एक यहां बना, ये मैं पूरा इसको कलर कर दे रहा हूं, देख लेना मैं सेट कर दे रहा हूं ये पार्ट, ठीक है, पूरा ये वाला ये मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका, एक एक आपका मिलेगा वैसे ही आपका जो यहां पे पार्ट है, ये देखो आपका इसके साथ ये पूरा, ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा पार्ट एक मिलेगा क्योंकि यहां से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका एक स्क्वायर मिलेगा। इसे मैं और कोई कलर ले लूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, रेड ले ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एक स्क्वायर बनेगा, मैं ये पूरा कलर कर दे रहा हूं, देखो ये बाउंड्री है ये, तो एक ये और एक आपका ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, एक ये, ठीक, तो 2 आपके और स्क्वायर मिलेंगे जो आप लोगों ने, जो जिसके 49 आ रहे थे उन्होंने भूल से जो है इसे काउंट नहीं किया था, तो 49 के बाद प्लस 2 और कर दोगे, ठीक है, 49 के बाद प्लस 2 और कर दो तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 51 सही होगा। तो एक बच्चे ने सिर्फ 51 दिया था, बाकी मैक्सिमम के आंसर 49 और 45 आ रहे थे, तो मिस्टेक कहां हुई थी, कुछ लोगों ने ये 2 और 2 4 ये छोड़ दिया था, कुछ ये जो मैंने एक ब्लू कलर से बनाया है और एक ये कलर से बनाया है कि यहाँ का इसका बेस लेके ये बना, और एक इसका आपका यहां से ये जो ये वाला बेस है इससे ब्लू वाले से जो बनाया है आपका, ठीक है, तो ये आपके 2 स्क्वायर आप लोगों ने छोड़ा था, तो ये आपका हो गया प्रीवियस के जो जैकपॉट था उसका आंसर। आज का जैकपॉट आपके सामने है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जो मैंने आपको लॉजिक बताया अभी तक कैसे इसे काउंट करना है उसी लॉजिक पे आपको लगाना है इसके नंबर ऑफ, क्या क्वेश्चन है इसका, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड बताने हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे,
नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने होंगे? ऑप्शन दिया है 56, 57, 58, 59. तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट करना, बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपको हम अगले सेशन में बताएंगे. चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद.